सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ की, जहां खाद की कमी को लेकर अब सियासत शुरू हो चुकी है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने केंद्र सरकार को इसीलिए दोषी ठहराया है। तो राज्य ने केंद्र से 7.5 लाख मीट्रिक टन खाद मांगा था, जबकि अब तक 3 लाख मीट्रिक टन खाद ही मिला है। ये राज्य सरकार का आरोप है। राज्य सरकार का ये कहना है कि केंद्र सरकार ने कोटे में 45% की कटौती कर दी है। इधर कांग्रेस के इस वार का बीजेपी ने भी जवाब दिया, पलटवार किया नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने। उन्होंने बयान दिया कि कांग्रेस सरकार आने के बाद का खाद का संकट गहराया है और छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद आज तक खाद की कमी नहीं हुई, लेकिन कांग्रेस सरकार जब से आई है तब से खाद का संकट गहराने लगा है। दुकानों में अगर खाद है और ऐसी शिकायत आ रही है तो पूरे प्रदेश में विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है, कलेक्टरों को निर्देश दिया गया है कि किसानों को फर्टिलाइजर जो उपलब्ध है वो मिलना चाहिए। लेकिन ये सच्चाई है कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण खाद की कमी प्रदेश में है। केंद्रीय खाद मंत्री श्री मनसुख भाई ने कहा है कि फर्टिलाइजर की पूर्ति इतनी ही हो पाएगी। जो खाद का आवंटन था हमको 30% कटौती करके मिला, रवि का भी हमारा पूरा आवंटन। तो आपको बता दें कि खाद संकट पर अब सियासत गर्मा गई है और एक तरफ राज्य सरकार की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं केंद्र सरकार पर कि रासायनिक उर्वरकों में कटौती की गई, आपूर्ति नहीं हो रही है। दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि अब तक जब से छत्तीसगढ़ राज्य बना है तब से खाद का संकट पैदा नहीं हुआ, लेकिन जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है तो अब ये बातें कही जा रही हैं। ज्यादा जानकारी हम लेंगे, हमारे साथ विशेष संवाददाता मोहन तिवारी लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। मोहन, देखिए खाद के संकट को लेकर अब छत्तीसगढ़ में सियासत गर्म हो गई है, बढ़ती जा रही है। राज्य सरकार का आरोप केंद्र सरकार पर है, वहीं छत्तीसगढ़ में बैठी बीजेपी अब राज्य सरकार को दोषी ठहरा रही है। राजनीति अपनी जगह, लेकिन परेशान केवल किसान होगा। बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान प्रदेश है और यहाँ पर करीब 80% आबादी कृषि के किसी न किसी व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं। ऐसे में जब भी ऐसी स्थितियां बनती है जो कि कृषि से संबंधित है, उसका पूरा असर छत्तीसगढ़ के एक बड़े वर्ग पर पड़ता है। और इसीलिए जब अभी खाद का संकट है, क्योंकि जो खरीफ की फसल है वो हो चुकी है, लेकिन जो रबी की फसल है वो अभी उगाने की स्थिति में किसान पहुंचे हुए हैं और खाद इस समय काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन खाद की जो कमी है वो छत्तीसगढ़ में इसलिए बनी हुई है क्योंकि जो निर्धारित छत्तीसगढ़ को कोटा केंद्र से मिलना था उसमें करीब 30-40% की कटौती हो गई है। तो जिससे आप समझ सकते हैं कि जो छत्तीसगढ़ को खाद मिल रही है वो करीब 70% या 80% के आसपास मिल रही है। तो ऐसे में जो 20-30% की कमी है वो सीधे तौर पर किसानों को झेलनी पड़ रही है, जिसकी वजह से रबी की फसल उगाने वाले जो किसान हैं वो किसान जो खाद के लिए भटकते हुए इधर उधर दिखाई दे रहे हैं। खासतौर पर बाजारों में खाद नहीं मिलने की वजह से उसकी ब्लैक मार्केटिंग भी हो रही है, तो ज़्यादा कीमत में खाद खरीदने पर किसान मजबूर हुआ है। अब अगर इसके राजनीतिक पहलुओं पर नज़र डालें तो भाजपा का नज़रिया इसको लेकर अलग है, कांग्रेस का नज़रिया अलग है। सरकार ने कल ही स्पष्ट कर दिया है कि खाद जो निर्धारित कोटा है उससे कम मिल रही है, इसलिए किसानों को परेशानी हो रही है। वैकल्पिक व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं, कलेक्टरों को कहा गया है कि जहाँ जहाँ रबी की फसल उगाई जाती है वहीं पे खाद दी जाए, बाकी जगहों पर रोक दिए जाए। तो इस तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार अपनी स्तर पर व्यवस्थाएं कर रही हैं। लेकिन बीजेपी का तर्क ये है कि इन सब के लिए जो सरकारी तैयारियां होनी चाहिए, जो सरकार को पत्र व्यवहार करना चाहिए, जो अलर्ट मोड में होना चाहिए, वो सारी चीजें नहीं की गई, एक तरीके से लापरवाही बरती गई, जिसका नतीजा ये है कि छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ के हिस्से का जो खाद है वो नहीं मिल पाया। तो इस पूरी समस्या को लेकर कहा जा सकता है मोहन के चाहे धान का मामला हो चाहे खाद का मामला हो, कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर राज्य सरकार हमेशा ही केंद्र सरकार पर निशाना साधती रही है, कई बड़े आरोप उनकी ओर से लगाए जाते रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। बीजेपी कांग्रेस से हमारे साथ इस पर ज्यादा चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। अनुराग अग्रवाल जी बीजेपी प्रवक्ता फोन लाइन पर जुड़े हैं, अमित श्रीवास्तव जी कांग्रेस प्रवक्ता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है सर। और अनुराग अग्रवाल जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ही है, लगातार राज्य सरकार की ओर से आरोप लगाए जाते रहे हैं कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को परेशान कर रही है, जितनी मांग की गई थी उतना खाद क्यों नहीं आखिर दिया गया, किसान तो परेशान होगा ना इसके बीच में।
जी, जब जब राज्य सरकार ने केंद्र सरकार पे आरोप लगाया है, आने वाले समय में उसका भांडा फूट गया है। अपन पिछले साल की बात करते हैं, राज्य सरकार ने पिछले साल भी आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार उनको खाद कम दे रही है और खाद की किल्लत है, लेकिन इनका भांडा इनके ही मंत्री टीएस सिंहदेव जी ने अपने पत्र से फोड़ दिया था। उन्होंने अपने पत्र में कहा था राज्य सरकार को धन्यवाद देते हुए कि आप हमारी मांग से ज्यादा खाद दे रहे हैं, और जबकि उन्होंने साफ शब्दों में लिखा था कि हमने निजी क्षेत्रों में 40% खाद मांगा था, आपने 92% दिया। साफ ये पोल खतरा खोलता है कि राज्य सरकार शासकीय क्षेत्र की अपेक्षा निजी क्षेत्र में ज्यादा खाद दी है। दूसरी बात, जिस तकनीकी बात की हम करते हैं कि ये सरकार इसके लिए अलर्ट नहीं है, देखिए केंद्र सरकार ने खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए एक ऑनलाइन व्यवस्था की है जिसके तहत प्रत्येक शासकीय और प्राइवेट दुकान में पॉस मशीन है जिसमें खाद की वस्तु स्थिति दर्शानी पड़ती है कि कितना खाद है। पिछले वर्ष मैदानी क्षेत्रों को छोड़ के जंगल क्षेत्रों में और झरगुजा और बस्तर के क्षेत्र में हुआ ये कि इन्होंने खाद बांट तो दी लेकिन उस मशीन में उसकी एंट्री दर्ज नहीं करवाई, जिसमें छत्तीसगढ़ में खाद अधिक मात्रा में है वो ऑनलाइन दिखते रहा। और उसी को लेके कुछ दिन पहले, एक महीने पहले भूपेश बघेल जी ने कहा था कि छत्तीसगढ़ में खाद की किल्लत है नहीं जी। अपनी व्यवस्था ये कर नहीं पाया तो समय पर इन्होंने केंद्र सरकार को खाद की मांग भेजी नहीं, और भेजी नहीं तो केंद्र के हिसाब से खाद उतनी आई नहीं। आप मुझे बताइए, बार बार जब से सरकार बनी है केंद्र पर लगातार आरोप लगाती है लेकिन कभी पंजाब को कोई शिकायत नहीं रही, कभी राजस्थान को कोई शिकायत नहीं रही, सिर्फ इनको शिकायत। वास्तव में इनको भी कोई शिकायत नहीं है, इन्होंने आदत बना लिया है कि अपने नाकामियों का ठिकरा केंद्र पर फोड़े, चाहे आप प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, जल जीवन मिशन की बात करें। ठीक है, जवाब ले लेते हैं अनुराग जी। अमित श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित जी, बीजेपी का ये कहना है कि छत्तीसगढ़ सरकार अपने स्तर पर व्यवस्था नहीं कर पा रही है और ठीकरा फोड़ दिया जाता है हमेशा केंद्र सरकार पर, क्यों ऐसा? देखिए, ये इनका रटा रटाया जवाब होता है, और कहते हैं ना, जिधर करे ना चाकरी पंछी करे ना काम, और जो व्यर्थ बकबक करे टीवी में आके भाजपा ही प्रवक्ता उनका नाम। देखिए, खाद की कमी के लिए केंद्र सरकार पूरी तरीके से जवाबदेही है, और खाद की कुछ जगह जो कमी की बात भी जो आई है, ऐसे हालात जो डेवलप किए गए हैं, निश्चित तौर पे जो ये केंद्र सरकार की भेदभावपूर्ण सौतेला व्यवहार व बदनीति झलकाता है। छत्तीसगढ़ ने मांगा था 11.75 मैट्रिक टन, और जो उनको लास्ट ईयर का ही बता रहा हूँ आपको, 5.27 मैट्रिक टन दिया, इट मीन्स ओनली 56%। जहां पर भाजपा की सरकार है, चाहे वो यूपी हो, एमपी हो, हरियाणा हो, गुजरात हो, उनको दिया गया था 90% सप्लाई किया गया था जी। तो क्या छत्तीसगढ़ का कोई भी भाजपा नेता किसानों के लिए मोदी सरकार को कोई पत्र लिखा? नहीं लिखा। अब इन्होंने कहा कि हर साल ये भेदभाव व रवैया जो हम अपनाते हैं, क्यों अपनाते हैं, वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए, हमने मांगा था 7.50 लाख मैट्रिक टन, इन्होंने हमें अलॉट जो किया है वो 4.11 लाख मैट्रिक टन, इट मींस कि 45% की इन्होंने कटौती कर दी। और जिस प्रकार से आपको मैं बता दूं कि पिछले साल भी हमने मांगा था 3.5 लाख मैट्रिक टन, इन्होंने दिया 2,32,000 मैट्रिक टन, और पोटास हमने मांगा था 30,000, इन्होंने दिया 50,000, डीएपी हमने मांगा था 1.04 लाख, इन्होंने हमने मांगा था 2 लाख, इन्होंने दिया 1.04। उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे सुपर फास्फेट हमने मांगा था 75,000 और इन्होंने दिया 54,000। अमित जी, लेकिन संक्षेप में मुझे बताइए कि अब व्यवस्थाएं कैसे होगी, किसान परेशान ना हो उसके लिए राज्य सरकार क्या करेगी? देखिए, राज्य सरकार लगातार हमारे, हमने पहले भी कहा था कि किसान भाइयों को जो रासायनिक खादों को लेकर जो दिक्कतें हो रही है, प्रदेश की सरकार पहले भी उनके साथ खड़ी थी, आज भी हम खड़े और कल भी हम खड़े रहेंगे, क्योंकि प्रदेश में लगातार आप देखेंगी कि लगातार हम किसान भाइयों को लेकर हमने योजनाएं भी लाई, और सबसे ज्यादा समृद्ध और सशक्त अगर किसान कहीं देश में हुआ है तो वो छत्तीसगढ़ है। ठीक है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि हम यहाँ पर राज्य के किसानों को रासायनिक उर्वरकों की उपलब्धता के आधार पर सोसाइटी से खाद उपलब्ध कराई जा रही है। लेकिन एक एक गहन जो शब्द, जो प्रश्न लोगों के जहन में आता है छत्तीसगढ़ में, कि यहाँ की 2,80,00,000 जनता से भाजपा की केंद्र की सरकार बदला क्यों ले रही है? क्योंकि उन्होंने उन्होंने यहाँ पर सरकार हमारी बनाई है। और एक आपको मैं एक अहम चीज आपको बताना चाहता हूँ सर, समय की थोड़ी सी कमी है, माफ करिएगा। अमित श्रीवास्तव जी बहुत धन्यवाद, अनुराग अग्रवाल जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत धन्यवाद। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में अब खाद पर सियासत शुरू हो चुकी है कि राज्य सरकार केंद्र को दोषी ठहरा रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी जो विपक्ष में बैठी है उसका आरोप है कि राज्य सरकार अपने स्तर पर व्यवस्था नहीं कर पा रही है। अब तक छत्तीसगढ़ में धान खाद की कमी नहीं हुई, लेकिन अब जब से नई सरकार बनी है तब से किसान परेशान हो रहे हैं।